गुलबर्गा शहर में वेलफेयर पार्टी पिछले एक साल से शहर के 7 जगहों पर बंद की गई इंदिरा कैंटीन को फिर से शुरू करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। इस कैंटीन के जरिए गरीब जरूरतमंद और भूखे लोगों को सिर्फ 5 और 10 रुपए में पेट भर खाना मिला करता था। वेलफेयर पार्टी ने पहले RTI के जरिए मालूमात हासिल की कि क्यों शहर में इंदिरा कैंटीन बंद है और कब चालू होंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंका खड़गे को भी जन स्पंदना प्रोग्राम में मेमोरेंडम सबमिट किया गया था। इसके बावजूद भी जब कैंटीन चालू नहीं हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये डिमांड की गई कि अगर एक महीने के अंदर कैंटीन स्टार्ट नहीं हुई तो सिटी कॉरपोरेशन के सामने एहतजाज करने का ऐलान किया गया था। मगर सिर्फ 20 दिन में शहर के 7 जगहों पर इंदिरा कैंटीन फिर से शुरू हो गई। ये बड़ी राहत है उन भूखे गरीब पेशेंट्स और आवाम के लिए जो सिर्फ 5 और 10 रुपए में पेट भर खाना और नाश्ता हासिल कर सकते हैं। इंदिरा कैंटीन की शुरुआत पर वेलफेयर पार्टी ने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स और कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर गुलबर्गा वेलफेयर पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी मुबीन अहमद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एडवोकेट अब्दुल खदीर, वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब सलीम चितापुरी, जिला जनरल सेक्रेटरी मुनीर हाशमी और जिला कमेटी मेंबर नसीरुद्दीन ने कैंटीन की शुरुआत पर शहर की आवाम को मुबारकबाद दी है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। देखिए, जिस तरह से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने पिछले एक साल से निरंतर जद्दोजहद कर रही थी कि जल्द से जल्द इंदिरा कैंटीन चालू करे। शहर गुलबर्गा में 7 इंदिरा कैंटीन थे, उसको चालू करो बोल के हमने पहले RTI के जरिए मालूमात हासिल की कि क्यों इंदिरा कैंटीन बंद है, क्यों चालू नहीं हो रही बोल के पहले हमने RTI के जरिए चीफ सेक्रेटरी कर्नाटका को हमने RTI डाला। उसके बाद से वहाँ से जवाब आया जो बहुत से जल्द इंदिरा कैंटीन चालू करते बोल के आया। उसके बाद हम जनस्पंदना प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को भी हम मेमोरेंडम दिए कि जल्द से जल्द इंदिरा कैंटीन चालू करो बोल के, क्योंकि ये गरीबों के लिए है। 5 रुपये और 10 रुपये में गरीबों की का पेट भरता है। यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अटेंडेंस आते हैं और स्कूल के बच्चे आते हैं और सारे जो गरीब भिखारी आते हैं उनके लिए पेट भर के खाना, ये बहुत बड़ा हंगर फ्री कर्नाटका का जो नारा था सिद्धरामैया का, उसके तहत ये इंदिरा कैंटीन चालू हुई है। हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डिमांड किया कि एक महीने के अंदर इंदिरा कैंटीन चालू कराइए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी मुतालबा किया कि एक महीने के अंदर इंदिरा कैंटीन चालू नहीं होगी तो हम बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट करने का हम प्लान किए थे। हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन ने सुन ली है और गवर्नमेंट ने सुन ली है कि ये गरीबों की के मदद के लिए है। ये आम जनता, आम जो गरीब पेशेंट्स आते हैं उनके लिए ये उनकी आवाज़ थी कि जल्द से जल्द इंदिरा कैंटीन चालू हो जाए। कलबुर्गी हंगर फ्री कलबुर्गी का जो नारा था उसके तहत हमने ये कोशिश की है। आज इंदिरा कैंटीन शहर के जो भी 7 इंदिरा कैंटीन हैं वो चालू हुए हैं और हम ये मुबारकबाद देते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को कि हमारी बात उन्होंने कही, उन्होंने हमारी बात उन्होंने सुनी और ये इंदिरा कैंटीन फिर से चालू हुई है। ये दरअसल आम जनता के लिए, एक भूखे पेट के लिए एक खुशी का मौका है। आज हम यहाँ पर इंदिरा कैंटीन जेदो हॉस्पिटल पे आकर के हम इसलिए जमा हुए हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कि पिछले एक साल से हम लोग ये इंदिरा कैंटीन जो बंद की गई थी पूरे कर्नाटक के अंदर, खासतौर हैदराबाद कर्नाटक में, तो हम इसके लिए एक आवाज़ उठा रहे थे। वो आवाज़ गवर्नमेंट हमारी सुनते हुए और फिर दोबारा इंदिरा कैंटीन को ओपन किए हैं। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करने के लिए कि यहाँ पर हम यहाँ जमा हुए हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से, WPI की जानिब से हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हमारे इंचार्ज मिनिस्टर श्री प्रियंका खड़गे जी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ के तमाम MLAs और सिद्धरामैया जी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो गरीब लोग जो परेशान होकर के यहाँ हॉस्पिटल को अपने किसी को भी अपने बच्चों को माँ बाप को जिसको भी लेके आते हैं उनके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं रहते लेकिन उनको खाने की तक उनको होश नहीं रहती, वैसे में ये इंदिरा कैंटीन सभी कास्ट जिसमें कोई जात वात कुछ भी नहीं है, ऑल कास्ट के लोगों को यहाँ पर बेनिफिट होता है, इसलिए हम सिद्धरामैया जी का शुक्रिया अदा करते हैं। नानो नसीरुद्दीन, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा जिले या सदस्य नागिद्दू, ई मूलक
ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾದವರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಬಡವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರನೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಇಡೀ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಬಡವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಟೈಮಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ವೇಳೆಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅನ್ನು ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕೂಗನ್ನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೂಗಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮನವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪುನಃ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ ಇದು ಪುನರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಇದು ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಈ ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga.